नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं UPPCS 2021 प्रारंभिक परीक्षा। आज विशेष प्रयोजन किया जा रहा है, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नकलचियों को नके लगाने के लिए जैमर की भी व्यवस्था की गई है, तो उसी के बारे में आज पहला न्यूज है। आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रविवार को बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें PCS और RFO यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में ठीक है करीब 1500 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए कुल 691173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लगभग 7 लाख के करीब बच्चों ने आवेदन किया इसमें। तो इसके कुल पदों की संख्या आप देखिए होंगे, 554 पदों के लिए भर्ती कराई जा रही है, जिसमें से 538 पद आपके PCS के हैं और अन्य पदों के लिए यहाँ पे विशेष से बताया गया है ठीक है। बसों के लिए आपको विशेष व्यवस्था की गई है, बच्चों के आने जाने के लिए यहाँ पे बता दिया गया। प्रयागराज में 133 केंद्र बनाए गए अकेले प्रयागराज में, जो भारी संख्या में बनाए गए हैं। आयोग ने विशेष इंतजाम करते हुए क्या किया है कि जो भी आपके जहाँ पे उम्मीद है कि नकल हो सकता है या किसी प्रकार पेपर लीक की संभावना, वहाँ पे उन्होंने विशेष व्यवस्था कर दी है, जैमर की व्यवस्था कर दी है, पूरी तरह आपके नेटवर्क को वहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप डेटा से देख सकते हैं कहाँ पर कितने आवेदन है, कब से कब आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। 2 पालियों में, एक आपका 9:30 से 11:30 बजे पहली पाली है, और दूसरी पाली की जो एग्ज़ाम कराई जाएगी 2:30 से 4:30 बजे के बीच में कराई जाएगी, जिसमें से आप देख सकते हैं प्रयागराज में आपके जो बच्चे बैठेंगे 60,886, जिसमें 133 केंद्र बनाए गए, इसमें मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ दोस्तों है आपकी DLED, जो द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु थे जिनका रिजल्ट भी रुका हुआ था, वो कल शाम आपका जारी कर दिया गया। इनका सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अब आपके जो टेट का UP TET का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, उसमें आप ये आसानी से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इनका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ तब तक रिजल्ट आपके ये आवेदन नहीं कर सकते थे। तो देर शाम इनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया। डिलेट और BTC के विभिन्न बैच में द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश प्रशिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2021 सम्मिलित हो सकेंगे। परीक्षा न्यायिक प्राधिकरण कार्यालय ने शनिवार को इन प्रशिक्षुओं का परिणाम जारी कर दिया, रविवार दोपहर बाद वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा ठीक है। तो आज आपका दोपहर के बाद ये आप अपना रिजल्ट आसानी दे सकते हैं, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, कौन क्या हुआ, टोटल आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका यहाँ पे संजय कुमार उपाध्याय ने बताया, द्वितीय सेमेस्टर में आपकी जो 81,645 प्रशिक्षु का परिणाम रविवार की दोपहर वेबसाइट पर अपलोड रहेगा, जो 12 से लेकर 14 सितंबर तक इसके लिए परीक्षा कराई गई थी। और यहाँ पे सब डिटेल से बताया गया, आप देख सकते हैं विस्तार से आपको कहाँ पर कितने बच्चों को आपत्ति, यहाँ पर टेट के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है, और अभी तक 10 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है ठीक है, जिनमें से 9,25,625 अभ्यर्थियों ने सारी औपचारिकता पूरी कर ली है, मतलब रजिस्ट्रेशन पेमेंट सारी हो गया, कुछ बच्चों का फंसा हुआ है ठीक है, तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो यही डिटेल था, आपको देख सकते हैं आराम से। अगली सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनाक्त जिसने 4 भर्तियां हैं, आप जानते हैं 23/2016 कंबाइंड टेक्नीशियन की भर्ती है, दूसरा आपका JEE 2016 है, JEE 2018 है, और मंडी का रिजल्ट है। अब मंडी के बारे में देखिए इसमें क्या क्या दिया, डिटेल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ कि आपके आवेदन देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, इसके लिए आपको EWS के लिए सबमिट किया जा रहा है, जिसमें 21 आपका 10% आरक्षण की बात कही गई ठीक है। इसमें यहाँ डिटेल्स बताया गया जो आप 11 नवंबर तक उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, किन किन पोस्टों के लिए किन किन आवेदन कितना आवेदन किया, देखिए 23/2016 जो भर्ती है कंबाइंड टेक्नीशियन, जिसमें 292 पद हैं ठीक है टोटल ओवरऑल, जिसमें टोटल आवेदन जो हुए हैं आपके, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया कंबाइंड सम्मिलित तकनीकी सेवा जो 2016 की भर्ती, जिसकी पदों की संख्या आपको जानते हैं 486 कर दी गई है, यहाँ पे जो दिखाया गया अब इसकी विस्तार से बाद बताया जाएगा, जिससे 52,156 बच्चे आवेदन टोटल किए हैं ठीक है 23/2016 वाले में। सम्मिलित तकनीकी सेवा अभियंता जो कि 2016 की जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, जिसमें 489 पद हैं उस दोस्तों, अन अकेडमी ने आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट कर दिया है। आप जानते हैं अन अकेडमी पे इंडिया वो UP के टॉप एडुकेटर जो हैं आपके लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं, टोटल मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो भी मटेरियल लगेगा आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है सभी बेस्ट टीचरों के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि आपको हरे सब्जेक्ट के हरे टॉपिक के अलग अलग टीचर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के एक ही टीचर सभी टॉपिक को पढ़ाए कवर करे, ऐसा नहीं, जो भी टीचर रहेंगे आपको लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे आपके किसी बड़े भर्ती होगा PIAS हो गया, चाहे अन्य किसी भी स्टेट के जो आप लोक सेवा आयोग की भर्तियों में टॉप किए हुए हैं और कहीं ना कहीं पास हैं बंदे, सिलेक्टेड बंदे हैं, तो वही आपको टीचर में गाइडलाइन के साथ पढ़ाएंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है अच्छे टीचरों के साथ अच्छे गाइड के साथ पढ़ने के लिए। इसमें आपको PDF नोट्स सारे चीज़ मटेरियल आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराएंगे, आपके डाउट्स क्लास हो गए सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन मात्र 700 रुपये प्रति महीने मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जितने भी कोर्स रहेंगे संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा, इसमें टॉप एडुकेटर मिलेंगे, आपको हिंदी भाषा में रिविजन नोट्स मिलेंगे, सप्ताह में मेगा क्विज भी कराया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है क्या है, जब भी आप इसके नीचे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जब जाइएगा गवर्नमेंट GOVT JOB 10 कोड डालना ना भूलिएगा, जिसमें आपको 10 से लेकर 20% का इस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है। GOVT JOB 10 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। उसके सापेक्ष आप देख सकते हैं जो आपकी 489 पद है जेई वाली 2016-17 की, उसमें 43,167 बच्चों ने आवेदन किया। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल आपका दिया भी, यहाँ पे आप आराम से देख लीजिएगा। सम्मिलित आपके अवर अभियंता के जो दो संगठक फोरमैन की जो 2018 की भर्ती है, उसमें आपके 1477 पोस्ट है, ठीक है। जो उसके सापेक्ष बच्चों ने जो 119,000 यहाँ पे देख सकते हैं 119,376 मतलब 129,376। और एक आपकी पोस्ट है मंडी की, संयुक्त राज्य किसी मंडी की है, जिसमें 16 पद हैं, उसमें बच्चों ने लगभग 11,742 बच्चों ने आवेदन किया है। सब मिला जुला के ये देखा जाए वैकेंसी कम से कम 5-6 साल लेट हो चुकी है, जितनी वैकेंसी है उसके आधे कैंडिडेट हैं, उसके आधे कैंडिडेट एग्जाम देंगे। यदि आप मान लीजिए कंबाइंड टेक्नीशियन का एग्जाम आप देख रहे हैं, ठीक है, 52,000 बच्चे हैं, तो 25,000 बच्चे आज के समय में अवेलेबल होंगे, जिसमें से मैक्सिमम 20,000 चाहे 15,000 बच्चे इसमें एग्जाम में बैठेंगे, तो बहुत ही बढ़िया चांस देखा जाए तो एग्जाम बेस को देखते हुए, ठीक है। तो ये डिटेल था। आप अब UP SSC की वेबसाइट पर जाके आप अपने EWS के मैटर को संशोधन कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला न्यूज दोस्तों SSC से है। SSC की जो आपकी परीक्षा चल रही है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो आपके दूसरे के स्थान पे स्टेनोग्राफ के स्किल टेस्ट दे रहे थे प्रयागराज के हैं 10 सालवर, मतलब इलाहाबाद से 10 सालों को पकड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आरोपी पकड़े गए हैं, जिनका नाम आप देख सकते हैं डिटेल्स दिया गया, देखिए कहीं आपके आसपास या अगल बगल कोई तो है ना इसमें से। आप देख सकते हैं सभी प्रयागराज के यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, सोराव प्रयागराज थाना कोराव, मतलब ये डिटेल दिखाया गया है जो पकड़े गए हैं। ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पता है, 13 सालों को शुक्रवार को साहब असियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है। यही आपका डिटेल SSC के परीक्षा में 13 सालवर लखनऊ से गिरफ्तार। तो जो जानकारी थी आपको डिटेल से बता दी गई, किसी बात को दिक्कत होगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और जल्द से जल्द आज दोपहर तक आपको UP SSC पेट के रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल ऑडियो कॉल हमारे चैनल पर डाल दिया जाएगा, जो UP SSC सेक्रेटरी साहब द्वारा बात किया गया है, ठीक है। आपका सारा कन्फ्यूजन वीडियो में दूर हो जाना चाहिए। तो जो जानकारी थी आपको दे दी गई, किसी बात को दिक्कत होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना भूले। धन्यवाद।